हेलो दोस्तों, कार दुनिया से मैं अभिनी बा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने मैं एक और ऑल न्यू i20 का वेरिएंट लेकर आया हूं। ये है इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट जो कि मैग्ना से एक ऊपर है। मैं इसमें मैग्ना एस्टा एंड एस्टा ओ का रिव्यू कर चुका हूं, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स वेरिएंट की जो कि 1.2 लीटर कप्पा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। इसमें एक IVT ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आएगा, इसमें टर्बो इंजन भी आता है, IMT यानी क्लचलेस गाड़ी वाली IMT ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा और साथ में इसमें डीजल 1.5 लीटर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आएंगे। इन सभी के आपको एक्स शोरूम कॉस्ट सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ऑल न्यू हुंडई i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट का ये है फ्रंट लुक आपके सामने। ग्रिल देखिए, बहुत ही खूबसूरत दी हुई है न्यू i20 में। ये ज्वेल पैटर्न पे ग्लॉसी ब्लैक देखिए, इसमें रेडिएटर ग्रिल आ रही है जिसके बीच में क्रोम पे हुंडई की ब्रांडिंग है। फ्रंट के बम्पर्स देखिए तो ये भी बॉडी कलर्स, और नीचे की तरफ देखिए ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। ऑल न्यू i20 में क्रोम से ज़्यादा ग्लॉसी ब्लैक का आपको फिनिशिंग देखने को मिलेगी जो कि इस गाड़ी को स्पोर्टी डायनेमिक और बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। तो ये है इस गाड़ी का देखिए फ्रंट लुक। फ्रंट की लाइटिंग्स की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको मिलेंगे रिफ्लेक्टर हैलोजन, ये देखिए हेडलैम्प्स, उसी में पोजिशनिंग लाइट है, फ्रंट के टर्न इंडिकेटर्स हैं। नीचे की तरफ देखिए तो यहाँ पे बम्पर्स में आपको मिल जाएंगे प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स जो कि ऑल न्यू i20 में स्टैंडर्ड है। उसके ऊपर देखिए तो यहाँ पे फ्रंट की DRL लाइट्स दी हुई हैं। तो ये है ऑल न्यू i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट का ये देखिए फ्रंट का लुक। चलिए फ्रंट के बाद देखते हैं इस गाड़ी को साइड से। तो स्पोर्ट्स वेरिएंट का ये देखिए साइड प्रोफाइल आपके सामने है, डायमेंशंस आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। चलिए फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का व्हील्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसमें आपको मिलेंगे स्टाइल व्हील्स, ये हैं तो देखिए फाइबर कैप्स, लेकिन देखिए एलॉयज की तरह दिखेंगे क्योंकि इसकी जो कट है अंदर देखिए स्टील कट पूरा, मतलब इधर नॉर्मली स्टील व्हील्स में क्या होता है कि ये पूरा कवर रहता है अंदर, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको खाली किया गया है और इस पर देखिए ऊपर की तरफ कैप्स लगाए हैं जो कि इसको एलॉय व्हील्स का लुक देते हैं। इसके अलावा अगर हम टायर सेक्शंस की बात करेंगे तो वो देखिए यहाँ पे लिखे हैं 195/55 R16 इंच में ये व्हील्स आएंगे ट्यूबलेस टायर्स के साथ। आउटसाइड हैंडल्स एंड मिरर्स जो हैं इस गाड़ी पे देखिए बॉडी कलर्स में हैं। आउटसाइड मिरर्स में ही साइड के टर्न इंडिकेटर्स इंसर्ट किए हुए हैं। बी पिलर ब्लैक टेप आउट दे रखा है इसको स्पोर्टी लुक देने के लिए, और प्रीमियम बनाने के लिए देखिए यहाँ पे क्रोम ये देखिए बेल्ट लाइन है, और यहाँ पे इस तरफ भी देखिए सी पिलर पे भी क्रोम यूज़ किया गया है, इस गाड़ी को प्रीमियम लुक देता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें देखिए नीचे रनिंग बोर्ड ये जो येला हिस्सा है ये भी देखिए ब्लैक पियानो फिनिश में है, और यहाँ पे देखिए i20 की ये मार्किंग भी है। तो दोस्तों आपने देख लिया ऑल न्यू i20 का फ्रंट एंड साइड प्रोफाइल स्पोर्ट्स वेरिएंट का। चलिए चलते हैं इस गाड़ी के रियर यानी बैक को एक्सप्लोर करने। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का बैक प्रोफाइल आपके सामने, जिसमें खूबसूरत दिया हुआ है इसका ये देखिए सेंटर पोर्शन, ये क्रोम की ये देखिए कनेक्टिंग बार्स हैं जो कि दोनों टेल लैंप्स को देखिए आपस में जोड़ते हैं और उस गाड़ी को खूबसूरत लुक देते हैं। इसके अलावा इसमें जो टेल लैंप्स दिए हुए हैं वो देखिए LED जेड शेप में दे रखे हैं जो कि अगेन इस गाड़ी को पीछे से स्पोर्टी बनाते हैं। उसमें देखिए पीछे के इंडिकेटर्स जो हैं ब्लिंक कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए इसके टेल लैंप्स में ये i20 की मार्किंग दी हुई है। इसके अलावा देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इधर भी i20 की बैजिंग है, राइट साइड में स्पोर्ट्स की आपको बैजिंग देखने को मिलेगी, हुंडई की ब्रांडिंग ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे देखिए ये ब्लैक पियानो फिनिश यानी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ है। पीछे के बम्पर्स देख लीजिए बॉडी कलर्स में है, इसकी जो स्किड प्लेट्स हैं ये भी देखिए ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दे रखी हैं, इस गाड़ी को पीछे से भी स्पोर्टी लुक देने के लिए। यहाँ पे देखिए सेफ्टी के लिए दो रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, और ये देखिए रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं 2 पॉइंट, और ये दिया हुआ है रिवर्स पार्किंग कैमरे का ये लेंस, यानी इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आता है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो स्पोर्ट्स वेरिएंट है, तो उसमें देखिए यहाँ पे आपको डिफॉगर्स मिल जाएंगे जो कि ठंड के समय बारिश के समय जब फॉग जमता है तो उसको हटाने में मदद करते हैं। और ये रहा इस गाड़ी का इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, उसी में दे रखा है ये देखिए हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, और स्पोर्ट्स वेरिएंट है तो उसमें देखिए शार्क फिन एंटीना भी आपको मिलेगा। और ये देखिए इसके सी पिलर पे यहाँ पे ये डिज़ाइन देख लीजिए, ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश की देखिए डिज़ाइन है जो कि इस गाड़ी को देखिए स्पोर्टी लुक दे रही है। एक और चीज़ बहुत ही बढ़िया है इस गाड़ी का फ्यूल कैप, अगर आपके डोर्स के लॉक्स खुले हुए हैं तो बस आप इसको प्रेस करिए, ये देखिए इसका ये फ्यूल
इनलेट एरिया ओपन हो जाएगा। फ्यूल कैप बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, बस को प्रेस करिए बंद हो जाएगा। इसमें 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है। तो दोस्तों ये हो गया ऑल न्यू i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट का फ्रंट साइड एंड रियर प्रोफाइल आपने देख लिया। चलिए अब इंटीरियर को एक्सप्लोर करते हैं और पहले हम आपको इसकी कीज़ चेक करवा देते हैं। दोस्तों ये है ऑल न्यू i20 की, ये देखिए कीज़ आपके सामने, एक मैनुअल की है, दूसरी इसमें रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की दे रखी है, इसमें लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनर है, और ये देखिए फ्लिप की आपको इसमें मिलेगी। मैं अनलॉक करता हूँ गाड़ी को और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पीछे की तरफ से तो इसका टेल गेट ओपन करके आपको इसका बूट स्पेस चेक करवा देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट रिलीज बटन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। 5-door लॉकिंग के साथ ये गाड़ी आती है। कंपनी फिटेड इसमें देखिए पार्सल ट्रे दे रखी है और 311 यानी 311 लीटर का आपको मिलेगा इसमें बूट स्पेस। स्पोर्ट्स वेरियंट है, देखिए इसमें बूट लैम्प नहीं आएगा। चलिए अब आपको स्पेयर व्हील चेक करवा देता हूँ। तो वो रखा हुआ है ये देखिए यहाँ पे, और ये बाकी व्हील्स की तरह जैसे बाकी व्हील्स स्टील कट पे थे, ये फुल स्टील पे देखिए दिया हुआ है। और टायर सेक्शन चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखे हैं 185/65 R15 इंच में ये व्हील्स आएंगे, यानी बाकी व्हील्स से ये व्हील्स 1 इंच छोटे दिए हुए हैं। ये अलग ही इंटरनेशनल नॉर्म्स होते जा रहे हैं। अब आप ज़्यादातर गाड़ियों में देखिए तो व्हील्स का यानी स्पेयर व्हील का साइज़ बाकी व्हील्स के मुकाबले 1 इंच छोटा रहता है। तो ये हो गया, अब बाकी बात करते हैं और चीज़ों की। तो ये जो पार्सल ट्रे है ये डिटैचेबल है, ज़रूरत पड़ने पर आप इसको हटा सकते हैं। और इसकी जो रियर सेटिंग्स है ये देखिए स्ट्रैप्स हैं बेंच फोल्डिंग के साथ हैं, इसको ऐसे गिरा दीजिए और इस तरीके का एक एक्सटेंडेड लगेज स्पेस देखिए बन गया। चलिए दोस्तों बूट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं और चेक करते हैं इसके केबिन को। तो सबसे पहले मैं आपको ऑल न्यू i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट का इंटीरियर दिखा देता हूं। तो ये देखिए ये ऑल ब्लैक में इसका इंटीरियर आएगा, जिसमें देखिए कुछ जगह पे सिल्वर हाईलाइट्स हैं, लाइक देखिए स्टेयरिंग पे दे रखी हैं और गियर नॉब के सराउंडिंग्स पे भी है, तो ये डार्क सिल्वर ये हाईलाइट्स मिलेंगी। और इनसाइड डोर हैंडल्स जो हैं वो ये देखिए ब्लैक पियानो फिनिश में दिए हुए हैं। फीचर्स को अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लोर करता हूँ। इग्निशन को ऑन कर देता हूँ पहले। तो और चलिए पहले चलते हैं इसकी पीछे की सेटिंग्स यानी रियर सेटिंग्स को चेक करने। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का पीछे का डोर आपके सामने, जिसमें देखिए यहाँ पे इसके भी देखिए इनसाइड डोर हैंडल्स जो हैं ये ब्लैक पियानो फिनिश में दिए हुए हैं। ऑल फोटोज पावर विंडोज आते हैं, तो यहाँ पे पावर विंडो का स्विच लगा है। नीचे की तरफ देखिए तो बॉटा होल्डर्स हैं और म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स पीछे के डोर्स पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दे रखी हैं, जो कि इस गाड़ी में आपको इंटीरियर्स में ऑल ओवर दिखेंगी। एक बार मैं वापस आगे चलता हूँ, ये देखिए इधर भी डोर्स पे है, और इवन अगर आप डैशबोर्ड पे भी देखिए तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दे रखी हैं, जो कि इस गाड़ी को अंदर से देखिए स्पोर्टी एंड यूनिक लुक देती हैं। इसमें देखिए एसी वेंट जो दिए हैं उसको कंटिन्यू करते हुए ऐसे पूरी लाइनिंग्स दे रखी हैं, तो ये आपको ऑल ओवर इंटीरियर्स में दिखेंगी। चलिए अब हम और चीज़ों को देखते हैं। तो पीछे की सेटिंग्स देख लीजिए। तो ये है इस गाड़ी की रियर सेटिंग्स स्पोर्ट्स वेरिएंट में। देखिए यहाँ पे हेडरेस्ट जो है वो इंटीग्रेटेड दे रखे हैं। सेंटर पे सिर्फ आर्मरेस्ट आपको एस्टा ओ वेरिएंट में मिलेगा, इसके अलावा नीचे का और किसी वेरिएंट्स में नहीं दिया हुआ है। चलिए बैठते हैं जरा गाड़ी के अंदर। और मेरी हाइट 5'8" है, ड्राइविंग सीट मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर दी, और देखिए मेरे बैठने वाला आपको कितना बढ़िया इसमें लेगरूम मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे पीछे के पैसेंजर्स के कंफर्ट को बढ़ाने के लिए रियर एसी वेंट लगा है। नीचे की तरफ देखिए एक USB चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, मोबाइल रखने के लिए पॉकेट दी हुई है। ऊपर की तरफ देख लेते हैं फिक्स टाइप असिस्ट ग्रिप्स दे रखे हैं। सेंटर पर यहाँ पर एक रूम लाइट दी हुई है। चलिए ये हो गई इसकी पीछे की सेटिंग्स की बात। अब चलते हैं आगे की तरफ और ड्राइविंग साइड का डोर चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे स्विचेस हैं। ये चाइल्ड विंडो लॉक का स्विच है, ऑल फोटोज पावर विंडोज़ के स्विच हैं, जिसमें ड्राइविंग साइड का विंडो जो है वन टच डाउन। एक बार में देखिए पूरा नीचे आ गया, बट ये वन टच अप नहीं मिलेगा, सिर्फ इसमें आपको वन टच डाउन दिया हुआ है। यहाँ पे ये सेंट्रल डोर लॉक का बटन है, ये आउटसाइड मिरर्स को इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड करने के बटन्स हैं, और ये इसके आउटसाइड ग्लासेस को एडजस्ट करने के बटन्स दिए हुए हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं, इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ORVMs हैं कि नहीं। तो मैं ज़रा गाड़ी को लॉक करता हूँ, देखिए दिए हुए हैं इसमें ऑटोमेटिक ORVMs हैं। जैसे मैं गाड़ी को लॉक कर रहा हूँ तो ये बंद हो रहे हैं, और अनलॉक कर रहा हूँ तो ये ओपन हो रहे हैं। तो बढ़िया प्रीमियम फीचर है जो कि मिलता है i20 के स्पोर्ट्स वेरियंट में। वापस मैं इग्निशन को ऑन करता हूँ। चलिए अब और चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे आगे के दोनों डोर्स पे मैप पॉकेट वाटर होल्डर म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स आगे के दोनों डोर्स पे भी हैं, और यहाँ पे फ्रंट के ट्यूटर्स भी आपको मिल जाएंगे।
फ्रंट की सीटिंग चेक कर लीजिए, ऑल न्यू i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट की ये हैं फ्रंट की सीटें जो कि हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ हैं। इसके अलावा ड्राइविंग सीट भी देखिए, यहाँ पे ये हाइट एडजस्टेबल है, इससे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये लीवर बैक रेस्ट के लिए है, उधर तरफ देखिए एक रॉड रखा है इसकी सीटों को स्लाइड करने के लिए। सीटें देख लीजिए फैब्रिक मटेरियल पर बनी हुई हैं, स्टिचेस जो हैं वाइट कलर की देखिए इसमें दे रखी हैं। तो ये हो गया, आप चलिए देखते हैं ऑल न्यू i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट का डैशबोर्ड, ये देखिए आपके सामने है, बैठे हैं गाड़ी के अंदर बाकी फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये देखिए ये है ऑल न्यू i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट का इंटीरियर्स, देख लीजिए इधर तरफ ये। बाकी यहाँ पे ये देखिए हेडलैम्प बीम एडजस्टर है। फीचर्स को चेक करेंगे तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा जो कि हुंडई में मोटर ड्रिवन पावर स्टीयरिंग बोलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दे रखे हैं, इस साइड पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स हैं, इस साइड पे दे रखे हैं ये MID डिस्प्ले को चेंज या फिर सेट करने के बटन्स। और इधर की तरफ ये देखिए एक लीवर है, इससे आप इसके स्टीयरिंग को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में ऑल न्यू i20 पे देखिए टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग भी आ रहा है जो कि इसमें स्टैंडर्ड किया हुआ है। इस साइड पे देखिए तो यहाँ पे ये हेडलैम्प्स को ऑपरेट करने के लीवर हैं जिसमें देखिए यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, यानी इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं। अंधेरे को सेंस करेंगे इसके हेडलैम्प्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, आपको बस रखना है इसको ऑटो मोड पे। ये फॉग लैम्प्स को ऑन ऑफ करने का बटन दिया हुआ है। लेफ्ट साइड पे देखिए तो यहाँ पे वाइपर को कंट्रोल करने का ये लीवर है जिसमें MIST मतलब मिस्ट, एक बार वाइपर चलेगा रुक जाएगा। INT इंटरमिटेंट फंक्शन है, वाइपर रुक रुक चलेगा, उसके वाइपर के रुकने की स्पीड को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड लो एंड हाई दो और वाइपर स्पीड मोड दिए हुए हैं। सेफ्टी के लिए देखिए इसमें यहाँ पे एक एयर बैग है स्टीयरिंग पे, ड्राइवर के लिए दूसरा एयर बैग जो दे रखा है ये फ्रंट पैसेंजर के सामने। इसके अलावा इसमें ABS EBD और भी जो सेफ्टी फीचर्स हैं आप स्क्रीन पे चेक कर लीजिए। चलिए ये रहा, आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का बहुत ही खूबसूरत डिजिटल, ये देखिए फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है जिसमें राइट हैंड साइड पे ये देखिए दे रखा है इसमें RPM मीटर, लेफ्ट हैंड साइड पे स्पीडोमीटर है, ये देखिए फ्यूल गॉस दिया हुआ है उसी के ऊपर देखिए डिजिटल स्पीड यहाँ पे लिख कर आएगी। और इस तरफ देखिए तो ये इंजन टेम्परेचर और डिजिटल यहाँ पे RPM लिख कर आएगा। सेंटर पे मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है जिसमें देखिए दिखा रहा है कौन सा डोर ओपन है वो यहाँ पे शो करेगा। बंद करता हूँ ज़रा अपना डोर और ये देखिए ये इसमें इन्फॉर्मेशन पार्ट आ गया जिसमें यहाँ पे अभी देखिए ये माइलेज दिखाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ जो है ये आउटसाइड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, टोटल कार कितनी चली वो है, ऊपर की तरफ डिस्टेंस टू एम्प्टी दिया हुआ है। इस इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए लीवर है, यहाँ से आप देखिए चेंज कर लीजिए। ड्राइव इन्फो आ जाएगी और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएंगी, ट्रिप मीटर्स बढ़ जाएगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। बाकी ऊपर की तरफ ये देखिए एक ऐसा बटन है, इसको जब प्रेस करेंगे तो स्पोर्ट्स वेरिएंट में भी देखिए यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया हुआ है, हाई लाइन टाइप कौन से व्हील पे कितना प्रेशर है वो ये शो करेगा। बहुत ही प्रीमियम बढ़िया सेफ्टी फीचर है। इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ चीज़ों को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं जैसे कि सर्विस इंटरवल आप सेट कर सकते हैं, इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, डोर्स एंड लाइट्स की सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑल न्यू i20 का, ये देखिए सेंटर कंसोल स्पोर्ट्स वेरिएंट का, जिसमें सबसे टॉप पे देखिए इसमें आपको 8 इंच का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। ये देखिए टच पैनल सिस्टम दिया हुआ है, ये जो आप वाइट रंग देख रहे हैं ये स्टिकर्स हैं, इसको जब हटाएंगे तो अंदर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलेगी। और ये म्यूजिक सिस्टम जो है देखिए फ्लोटिंग पैटर्न पर है, यहाँ पर देखिए उभरा हुआ ये पैटर्न दिया हुआ है। ये म्यूज़िक सिस्टम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, इसमें आप एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा ये 4 स्पीकर्स 2 फ्रंट के ट्यूटर्स के साथ मिलेगा। इस तरफ देखिए तो ये हैज़ार्ड वार्निंग लाइट स्विच है, प्रेस करिए सारे इंडिकेटर्स ब्लिंक करेंगे। स्पोर्ट्स वेरिएंट में मैनुअल AC आता है, ये रोटरी बेस्ड मैनुअल AC दे रखा है। इसके नीचे इधर तरफ देखिए तो यहाँ पर कुछ पोर्ट्स हैं, ये दे रखा है 12 वोल्ट का पावर आउट, देखिए खूबसूरत फ्लैप के साथ पावर आउट दिया हुआ है जिसमें कोई भी 12 वोल्ट का अटैचमेंट पॉपुलर है, मोबाइल चार्जर वो यहाँ पे लगा सकते हैं, ये पेन ड्राइव लगाने का पोर्ट मिल जाएगा। इधर तो देखिए स्टोरेज स्पेस दी हुई है फ्रंट की दोनों सीटों के बीच में, देखिए यहाँ पे कप होल्डर वाटर होल्डर दे रखा है। साथ में फ्रंट की दोनों सीटों के बीच में देखिए ये आर्म रेस्ट है जो कि फिक्स टाइप है, इसको जब उठाएंगे तो अंदर तरफ एक बॉक्स निकल के आ गया। इधर ऊपर देखते हैं तो इसमें यानी स्पोर्ट्स वेरिएंट में डे नाइट मैनुअल इनसाइड रियर व्यू मिरर है। इधर देखिए यहाँ पे सनग्लास होल्डर, मैप लाइट्स, ट्विन मैप लाइट्स मिल जाएंगी। सनवाइजर्स के बैक साइड पे देखिए वैनिटी मिरर है पैसेंजर की तरफ, और ड्राइविंग साइड पे सिर्फ टिकट होल्डर दिया हुआ है।
चलिए अब इसका चेक करते हैं ग्लोव बॉक्स। ये देखिए ये कूल ग्लोव बॉक्स आपको इसमें मिलेगा। अगर एसी ऑन है, ये नॉब आपने ऑन कर रखा है, इस बॉक्स में आप कोई भी सामान रखिए वो ठंडा बना रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया प्रीमियम फीचर आपको मिलता है ऑल न्यू i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट में। हालांकि कूल ग्लोव बॉक्स स्टैंडर्ड है i20 में। तो दोस्तों ये हो गए ऑल न्यू i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट के सारे फीचर्स। चलिए अब ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में है, जिसका लीवर ये देखिए आपके सामने है। ये 5 स्पीड में है, डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इसमें जैसे मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा तो ये देखिए रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें हो गया एक्टिवेट। चेक करते हैं एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है कि नहीं। ये देखिए एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ दिया हुआ है, स्टेयरिंग के साथ इसके कैमरे की गाइडलाइंस मूव कर रही हैं। तो गाड़ी बैक करते समय एक्यूरेट आइडिया देंगी, बिल्कुल पीछे कोई ऑब्जेक्ट आएगा अगर लाइंस टच करेंगी तो आप गाड़ी रोक लीजिए, उससे टच हो जाएगी। साथ में इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी हैं, बीप आई होगी, फिर से सुन लीजिए, ये बीप भी कंटिन्यूस बजने लगेगी जब कोई ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा। सो दोस्तों ये हो गए इस गाड़ी के सारे फीचर्स की बात। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट। BS6 कॉम्प्लेंट इसमें इंजन आ रहा है, जिसका बोनट यहाँ पे इधर से आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये है आपके सामने ऑल न्यू i20 का इंजन कंपार्टमेंट। और ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये है BS6 कॉम्प्लेंट 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन, जिसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट है 1197 cc का, मैक्सिमम पावर बनाता है मैनुअल ट्रांसमिशन में 83 PS का 6000 RPM पे एंड IVT ऑटोमेटिक में 88 PS का। टॉर्क है 11.7 kgm का 4200 RPM पे। ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और इसमें IVT ट्रांसमिशन मिल जाएगा, जिसका माइलेज क्लेम है मैनुअल ट्रांसमिशन में 20.35 किलोमीटर पर लीटर का एंड IVT ऑटोमेटिक में है 19.65 किलोमीटर पर लीटर। इसमें 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, जिसमें IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, ये क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन आएगी। जिसमें अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट है 998 cc का, ये मैक्सिमम पावर बनाता है 120 PS का 6000 RPM पे एंड टॉर्क है 17.5 kgm का 1500 से लेके 4000 RPM तक। इसके अगर हम माइलेज क्लेम को चेक करेंगे तो वो मिलता है 20.25 किलोमीटर पर लीटर का। स्पोर्ट्स वेरिएंट्स में 1.5 लीटर का CRDR टेक्नोलॉजी बेस्ड डीजल इंजन भी आता है, जिसका डिस्प्लेसमेंट है 1493 cc का, मैक्सिमम पावर बनाता है 100 PS का 4000 RPM पे एंड टॉर्क है 24.5 kgm 1500 से लेके 2750 RPM तक। ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आएगी, जिसका माइलेज क्लेम है 25.2 किलोमीटर पर लीटर। कलर ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं तो इसमें मिल जाएंगे टाइफून सिल्वर, पोलर वाइट, टाइटन ग्रे, मेटालिक कॉपर, स्टेरी नाइट एंड फेरी रेड कलर्स। साथ में इसमें आपको डुअल टोन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, फेरी रेड विद ब्लैक रूफ एंड पोलर वाइट विद ब्लैक रूफ। सो दोस्तों ये थी ऑल न्यू हुंडई i20 का सेकंड बेस वेरिएंट स्पोर्ट्स। इस गाड़ी के डिजाइनिंग एंड फीचर्स को देखने के बाद आपकी क्या राय हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं और भी हुंडई i20 के वीडियोज़ आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।